के मूल में कि कांग्रेस की वास्तव में विचारधारा क्या है, और कांग्रेस की विचारधारा में जब हम घुस करके देखेंगे तो आतंकवाद का साथ देना कांग्रेस की विचारधारा है। देशभक्तों को जेल में डालना, साधु संतों को जेल में डालना, ये कांग्रेस की विचारधारा है। लोकतंत्र की हत्या करना, 370 जैसे काले कानून को हटाने, काले धारा को हटाने के लिए जो दमखम देशभक्तों ने दिखाया, माननीय मोदी जी ने दिखाया, उसको पुनः लगवाने वाले, ये कांग्रेस की विचारधारा है। बंगाल में कांग्रेस देशद्रोहियों का साथ देती है, वामपंथियों का साथ देती है, ये कांग्रेस की विचारधारा है। महिलाओं पर अत्याचार करना, ये कांग्रेस की विचारधारा है। गौ हत्या करना, ये कांग्रेस की विचारधारा है, और गौ हत्या बंद करो, इसके लिए विनोबा भावे जी जैसे संत हजारों संतों के साथ जाते हैं, आंदोलन करते हैं गौ रक्षा के लिए। ऐसे गौ रक्षकों की और संतों की हत्या करना, ये कांग्रेस की विचारधारा है। कभी भी कांग्रेस की विचारधारा में आपने देशभक्ति नहीं सुनी होगी। आतंकवादियों को जब बांटना कांड होता है तो उस पर कांग्रेस की माई कहलाने वाली सोनिया गांधी रोती हैं फूट फूट कर, और हमारे देशभक्त जो न्यौछावर हो जाते हैं संसद पर अपने लोकतंत्र के मंदिर को बचाने के लिए, उन पर रोने वाले कांग्रेस की, आतंकवादियों के मर्डर पर रोने वाली कांग्रेस की ये विचारधारा है। इसलिए वो कुछ गलत नहीं कहते। जब भी कहीं देश में अच्छा होता है, जब भी देश का विकास होता है, जब भी काला कानून हटाया जाता है, जब भी लोकतंत्र की रक्षा की जाती है, जब भी सामाजिक समरसता की बात की जाती है, हमेशा कांग्रेस चिल्लाती है, क्योंकि देशद्रोही की विचारधारा उनकी है। और ये झूठा नाटक करने वाले कांग्रेस को धिक्कारना, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, यहाँ परिवार बैठे हुए हैं जो इमरजेंसी में मीसाबंदी में गए, वो लोग अपने परिवार के बच्चों को सिखाएं कि वास्तव में कांग्रेस की क्या विचारधारा है। वो परिवार अपने परिवारों में देशभक्ति लेकर के जाएं, अपने बच्चों को, अपने नातियों को, पोतियों को, आसियों, अड़ोसी पड़ोसी को और देश को, समाज को बताएं कि वास्तव में कांग्रेस का क्या असली स्वरूप है। ये सबको, राष्ट्रभक्तों को जागृत करना चाहिए समाज को, और ये देश विरोधी जो इनकी कांग्रेसियों की विचारधारा है उसको निश्चित रूप से समाज में फैलाना चाहिए, और देश से कांग्रेस को समूल नष्ट करना चाहिए। ये मेरा आह्वान है। और अगर नहीं किया, अभी मैंने सुना कि कांग्रेसी कुछ आए और बेशरम का फूल देने, षड्यंत्र, देश के विरुद्ध षड्यंत्र, भगवा को आतंकवाद कहना, ये सब कुछ करती है तो सिर्फ एक पार्टी और उसके साथी जिन्हें वामपंथी कहते हैं हम, ये सब वही करते हैं। एक इमरजेंसी लगी थी 1975 में, और एक इमरजेंसी जैसी अवस्था बनी थी 2008 में, जिस दिन मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अंदर किया गया। मैंने स्वयं उस चीज को झेला भी है, देखा भी है और सुना भी है, और हमारे लोग, हमारे आचार्य जी जिन्होंने मुझे पढ़ाया कक्षा 8वीं में, उनकी उस हेमंत करकरे ने, जिसको लोग देशभक्त कहते हैं, वहां के लोग थकते नहीं है, पर वास्तव में जो देशभक्त हैं वो उसको देशभक्त नहीं कहते हैं, उन्होंने हमें कक्षा 8वीं में पढ़ाने वाले आचार्य जी और शिक्षक को उनकी उंगलियां तोड़ी, बोलो तुमने, बताओ तुम कि वो क्या करती थी। मैंने अपना घर वर्षों पहले छोड़ दिया था, मैं संगठन मंत्री थी, देश के लिए मैंने अपने को जीवन समर्पित किया था, लेकिन भय मनाने के लिए कक्षा छोटी क्लास में स्कूल में पढ़ने वाले हम और पढ़ाने वाले हमारे शिक्षकों की भी उंगलियां तोड़ी और पसलियां तोड़ी। ये किस लिए था? क्या ये लोकतांत्रिक था? झूठा केस लगाना, झूठे सबूत बनाना, संन्यास